उसको टेस्ट करना कि हमने उसको कितनी अच्छे से पढ़ लिया है, और वो होता है थ्रू क्वेश्चन। तो आज हम वही करने जा रहे हैं। आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी एज प्रॉमिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज रिगार्डिंग दिस चैप्टर। तो हम कितने दिनों से YouTube सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं, लेकिन उन प्रोसेसेस के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो दो साथ साथ में मैं डिस्कस करती थी, लेकिन अब मैं लेके आई हूँ बम्पर सबके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, जो कि एकदम से ये सीरीज फटेगी और उसमें से निकलेंगे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और केस स्टडीज, जो कि आपको हेल्प करेगी टू एस द रेस इन टर्म वन प्लस टेंथ एग्जाम्स। ठीक है, तो ये टेंथ एग्जाम्स की आप में के आपके एग्जाम्स के लिए आपको बहुत हेल्प करने वाला है। यू विल बी वेरी डिलाइटेड टू यू नो, ये जो है आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके टेंथ के एग्जाम्स में। आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में जितने भी है, मैंने कोशिश की है कि मैं उठा के उसके लिए उनको आपके लिए लेके आऊँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एसपीएस वर्सिटी। आई एम बैक विद द यूट्यूब सीरीज इन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर ऑफ क्लास 10, और मैं लेके आई हूँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड सम केस स्टडीज फॉर यू, राइट। सो विद दिस गुडविल कि हम अच्छा से लर्न करेंगे कुछ नया, हम शुरू करते हैं आज की वेब सीरीज को, और जो कि है सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्टोमैटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये कि स्टोमैटा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन व्हाट। स्टोमैटा जो है प्लांट्स में होता है, अब स्टोमैटा प्लांट्स में होता है ना, हम सेवन स्टैंडर्ड में पढ़ते आ रहे हैं कि लीव के सर्फेस पे छोटे छोटे पोर लाइक थिंग्स होते हैं, उनको हम स्टोमैटा बोलते हैं। दे आर गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। लेकिन इनका फंक्शन क्या था, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं ये एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और दूसरा, एक तो गैसेस एक्सचेंज हो गया, फिर हमें क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज को हम रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए एक तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा किसके लिए इंपॉर्टेंट था, ये कि हमें यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए है, वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें स्टोमैटा से ही मिलता है। तो फोटोसिंथेसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और तीसरा रोल हमने इसका फ्रेशली ये पढ़ा है कि ये ट्रांसपिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो रूट्स में से पानी सक करके वो स्टोमैटा के थ्रू बाहर सन अब्सॉर्ब कर ले। ठीक है, सो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो हमारा स्टोमैटा परफॉर्म करता है, और इसी के बेसिस पे हमने आंसर दे देना है। वो क्या कह रहे हैं कि स्टोमैटा के इंपॉर्टेंट रोल क्या है, रेस्पिरेशन भी है, ट्रांसपिरेशन भी है, फोटोसिंथेसिस भी है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव, है ना। सो आपने जब तक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ना एक क्वेश्चन को, आपको यही करना है सिर्फ कि आपको इस क्वेश्चन के बाकी ऑप्शन को टटोल के राइट आंसर मुझे देने की कोशिश करनी है ना। पढ़ना होता है और उसके बेसिस पे फिर क्वेश्चन पूछे होते हैं, उनका आंसर देना होता है, as simple as that. So let's see one case study like this. Read the following and answer the questions. First is, Payal experiences muscle cramps during her gym training session. Her gym trainer advised her to her schedule of aerobic exercises to overcome this problem. ये उसको क्या एडवाइस किया गया, एरोबिक एक्सरसाइज करने का एडवाइस किया गया टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, राइट। Payal followed her trainer's instructions and did not experience any muscular cramps later during the exercise or during the training. तो उसके मसल क्रैम्प, जब उसको एक्सरसाइज करती थी तो उसके दौरान उसको मसल क्रैम्प्स होने लगे, और जिम ट्रेनर ने उसको एरोबिक एक्सरसाइज फॉलो करने की सलाह दी। ठीक है, तो जब उसने उस एरोबिक एक्सरसाइज को फॉलो किया तो बाद में उसको कोई भी मसल क्रैम्प्स एक्सपीरियंस नहीं हुआ ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग। तो ये है हमारी छोटू सी केस स्टडी जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को आंसर करें। तो पहला क्वेश्चन है ये, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स इज ऑफन ड्यू टू लीड्स टू क्रैम्प्स ड्यू टू, कि lack of oxygen in muscles often leads to cramps due to, कि जो इसके body में इसकी muscles में cramps हुए थे वो क्यों हुए थे। अब मैंने आपको aerobic respiration के बारे में बताया है, मैंने आपको anaerobic respiration के बारे में बताया है कि mostly animals में aerobic respiration होती है जिसके लिए O2 important होता है, और कुछ ऐसे organism होते हैं जिसमें absence of O2 require नहीं होता है और उसमें respiration होती है।
तीसरी मैंने ये भी बोली थी, अगर lack of O हो जाए, lack of O2 हो जाए, तब भी एक रेस्पिरेशन होती है जो मसल्स में होती है, और वो मसल्स में क्या करती है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन कर देती है, और ये लैक्टिक एसिड क्या करते हैं, क्रैम्प्स को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। सो वही वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इस पर्सन की बॉडी में मसल्स में क्रैम्प्स किसकी वजह से प्रोड्यूस हुए हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स में जो क्रैम्प्स प्रोड्यूस हुए हैं किसकी वजह से प्रोड्यूस हुए हैं, तो वो किसकी वजह से हुए, लैक्टिक एसिड की वजह से। चलो ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू इथेनॉल फॉर्मेशन, नहीं इथेनॉल फॉर्मेशन नहीं, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, जी नहीं, लैक्टिक एसिड के पहले कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट तो होगी होगी, पायरुवेट हमारा लैक्टिक एसिड बनाएगा, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, कि पायरुवेट जो हमारा है वो लैक्टिक एसिड में जब कन्वर्ट हो जाता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्रैम्प्स प्रोड्यूस करता है जो कि हमें दिक्कत देते हैं। सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज अगेन एन इनकरेक्ट ऑप्शन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बनने की वजह से ही हमारे मसल्स में क्या होते हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, राइट। फाइन, सो ये दो थे हमारे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसी के बेस पे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि इसी केस स्टडी के बेसिस पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो ये जो दो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर ऑल्सो ऑन द बेस ऑफ दोस केस स्टडीज ओनली। तो क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट दी सब्सटेंसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाई एनरोबिक रेस्पिरेशन, कि एनरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम ऐसे कौन से सब्सटेंसेज हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इन यीस्ट। अब देखो उन्होंने मसल नहीं कहा है, उन्होंने यीस्ट कहा है। तो हमने ध्यान से देखा था कि जब पायरुवेट की ब्रेकडाउन हो रही थी इन यीस्ट, तो वो क्या बना रहा था, वो बना रहा था इथेनॉल, वो बना रहा था एनर्जी, ठीक है। सो क्या क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे ड्यूरिंग दी एनरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट, तो लैक्टिक एसिड बन रहा है, जी नहीं लैक्टिक एसिड बिल्कुल नहीं बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जी हाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनता है, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी एक भारी चेक कर लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इसमें, वो जो कि वो बना नहीं रहा है। तीसरा, वो कह रहे हैं कि लैक्टिक एसिड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, तो लैक्टिक एसिड तो बिल्कुल भी नहीं बनता है, सो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है अगेन लैक्टिक एसिड बनता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है कि इसमें लैक्टिक एसिड नहीं बनता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सो फर्स्ट ऑप्शन ऑफ आर इज करेक्ट, राइट। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, पहला ऑप्शन है, ठीक है। सो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, उस रिएक्शन को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर उसको समझो और फिर आंसर दो, है ना। चलो इसी बात पे नेक्स्ट केस स्टडी के क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई इज देयर इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन इन ब्लड एट द बिगिनिंग ऑफ एक्सरसाइज, कि जब उसने एक्सरसाइज शुरू ही की थी क्या कारण था कि उसकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो गया था, उसके ब्लड में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो गया था, तो उसका कारण था ये कि अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनने लग गया था, ये कारण था, बिल्कुल भी ये कारण नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड तो उसका प्रोडक्ट है तो वो कारण नहीं है। दूसरा, लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल भी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की लैक की वजह से ये बिल्कुल भी नहीं होता है। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में हो जाता है इसलिए, जी नहीं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से नहीं, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या होने लगता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है, क्योंकि एनरोबिक कंडीशंस बनने लगती हैं हमारी बॉडी में, और जब एनरोबिक कंडीशंस बनने लगती हैं तब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनने लगता है जो कि हार्मफुल होता है। सो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, सो थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इज आर इज दी लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या है, वो लैक ऑफ ऑक्सीजन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनने लगता है। तो ये केस स्टडी के बेसिस पे हमारे चार क्वेश्चन थे जो कि ऐसे ही आएंगे, केस स्टडी पहले हमें पढ़ाएंगे, केस स्टडी पढ़ो आप, उसके बेसिस पे हमें चार क्वेश्चन दो के आंसर्स दो, और कभी कभी चार में से दो या तीन के भी आंसर्स देने होते हैं, चॉइस होती है हमारे पास, सो दैट्स अ गुड पॉइंट। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे उस
केस स्टडी के रिलेटेड ही, अगर आपने देखा हो तो लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, एनरोबिक रेस्पिरेशन, सब उस केस स्टडी के रिलेटेड ही क्वेश्चंस थे, है ना। सो लेट्स मूव ऑन देन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैकिया डज नॉट कलैप्स ऑन द एब्सेंस ऑफ एयर बिकॉज, कि जो ट्रैकिया हमारी फूड, हम जब हमारा, अगर आपने आपने नोटिस किया हो, हम जब हमारी जो फूड पाइप जा रही थी या फिर अगर विंड पाइप भी जा रही थी, तो हमने देखा था कि यहाँ पे ट्रैकिया आता था। जो ये ट्रैकिया है, हमने ट्रैकिया में नोटिस किए थे कि ट्रैकिया में ना ऐसी क्या थी, रिंग्स आ रही थी, ट्रैकिया में कुछ ऐसी रिंग्स आ रही थी। तो वो कह रहे हैं कि जो ट्रैकिया कोलैप्स क्यों नहीं करता है, कि ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स ऑन द एब्सेंस ऑफ, बिकॉज एब्सेंस ऑफ एयर पे जो ये ट्रैकिया कोलैप्स क्यों नहीं करता। पहला ऑप्शन वो कह रहे हैं क्योंकि वो थिक एंड मस्कुलर है, नहीं, थिक एंड मस्कुलर होना उसको कोलैप्स करने से नहीं बचाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, कि उनमें वैल्व्स होते हैं, उनमें वैल्व्स का कोई काम ही नहीं होता है, ठीक है। देन इज दे हैव सपोर्टिंग कार्टिलेजनस रिंग्स, जी हाँ, उनमें ये कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं, जो कि जब एयर इस ट्रैकिया में नहीं होती है तो उसको कोलैप्स होने से, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। सो हाँ, कि जो हमारा ट्रैकिया है वो कोलैप्स होने से बचता क्यों है जब उसमें एयर नहीं होती है, वो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होती है, कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं, ठीक है। वो लैरिंग्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। दीज आर दी इनकरेक्ट ऑप्शंस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज जस्ट दिस, कि उसमें कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। फाइन, सो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, अब जो ये पाइरूवेट की ब्रेकडाउन, अब ये क्या है, एरोबिक ब्रेकडाउन है, ठीक है। जो ये ब्रेकडाउन हो रही है ऑफ पाइरूवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस, ये आखिरकार हो कहां रही है। अब क्वेश्चन आता है ये कि जो ये कन्वर्जन हो रही है, ये आखिरकार हो कहां रही है, हमारी बॉडी के किस पार्ट में ये कन्वर्जन हो रही है, ठीक है। अब ये है तो साइटोप्लाज्म में हो रही है, न्यूक्लियस में हो रही है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। अब क्लोरोप्लास्ट में तो बिल्कुल भी नहीं होती है, क्लोरोप्लास्ट का तो ये फंक्शन ही नहीं है। न्यूक्लियस में भी ऐसा कुछ नहीं है, हमने न्यूक्लियस के फंक्शन को पढ़ा है, तो न्यूक्लियस का भी ये कतई ही फंक्शन नहीं है। सो दिस डजंट हैपन इन न्यूक्लियस। बचे दो ऑप्शन, पहला है साइटोप्लाज्म और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर इन दोनों ऑप्शंस को आप अच्छे से टटोलो तो आप मुझे बताओ कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द राइट आंसर, जहां पे हमारी ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट हो सकती है, ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, वो क्या और कौन सी जगह है, आप सोचो इसको, देखो ध्यान से। तो अगर ध्यान से देखते हैं तो आंसर बिल्कुल सामने पड़ा है। हमने जब इसकी प्रोसेस रेस्पिरेशन को पढ़ा था, एरोबिक रेस्पिरेशन को, तो हमने देखा था सबसे पहले क्या होना होता है, फूड की ब्रेकडाउन होनी होती है इनटू ग्लूकोज, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फूड में ग्लूकोज होता है उसकी ब्रेकडाउन होनी होती है टू पाइरूवेट, ग्लूकोज टू पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इन विच पार्ट, इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो जो ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट होती है वो होती है साइटोप्लाज्म में, और जो ये पाइरूवेट की कन्वर्जन होती है इनटू दी एनर्जी, जो ये पाइरूवेट है हमारा, इसकी जो कन्वर्जन होती है इनटू दी एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी किसके वे में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। तो जो ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वो कहाँ प्रोड्यूस होती है, बचा कौन सा अगर साइटोप्लाज्मा कटा तो बचा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसी साइट है जहां पे एटीपी की प्रोडक्शन होती है, एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, हेंस ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस में सिर्फ राइबोसोम प्रोड्यूस होते हैं और डीएनए पड़ा होता है, क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स होता है, इसमें नहीं होता है, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट हमारा एटीपी प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और वाटर प्रोड्यूस करता है। फाइन, सो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लैंड व्हिच इज नॉट लिंक्ड विद एलिमेंट्री कैनाल, ए ग्लैंड व्हिच इज नॉट लिंक्ड विद एलिमेंट्री कैनाल इज, सो इनमें से कौन सा ग्लैंड है जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो हमने एक्सेसरी ग्लैंड्स पढ़े थे कि बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जिनकी सिक्रीशन डाइजेशन में हेल्पफुल होती हैं,
तो इनमें से कौन से ग्लैंड्स हैं, हम चलो देखते हैं इनमें से कौन से ग्लैंड्स हैं जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है सलाइवरी ग्लैंड। जी हाँ, सलाइवरी ग्लैंड माउथ में प्रेजेंट होता है, जो सलाइवा सेक्रीट करता है, सलाइवरी एमाइलेज बनाता है और वो स्टार्च की डाइजेशन करता है। तो ये तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। दूसरा ग्लैंड वो कह रहे हैं लिवर। जी हाँ, लिवर भी है, लिवर बाइल सेक्रीट करता है और बाइल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। याद है ना कि वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है, और दूसरा क्या करता है, वो एसिडिक कंसंट्रेशन ऑफ स्टमक को बेसिक कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर देता है, है ना। नेक्स्ट क्या है, पैनक्रियास। क्या पैनक्रियास हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है? जी हाँ, पैनक्रियास है, वो पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करता है जो कि हमारी डाइजेशन में, इंटेस्टाइन में डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो ये भी है। रह गया कौन सा, एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड यूजली किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो जो पार्ट, जो ग्लैंड है, जो एलिमेंट्री कैनाल में जिसका कोई भी रोल नहीं है, वो कौन है? वो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है। दो इसकी इंपॉर्टेंस होती है हाँ, लेकिन डाइजेशन में या फिर बात करें कि एलिमेंट्री कैनाल की जितनी प्रोसेस है उसमें इस एड्रीनल ग्लैंड का कोई फंक्शन नहीं होता, जबकि सलाइवरी ग्लैंड का, लिवर का, पैनक्रियास, इन तीनों ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, सो ये कर लिया हमने नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चंस क्या हैं हमारे लिए? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। अगर मुझे ब्लड प्रेशर मेजर करना है, या फिर अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, तो वो किस डिवाइस से आपका ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो फोटोमीटर तो बिल्कुल नहीं है। फोटोमीटर क्या करता है? लाइट को मेजर करता है। फोटो मीन्स लाइट। ठीक है, मेनोमीटर भी नहीं है, बेरोमीटर भी नहीं है, ये प्रेशर को मेजर करता है। तो बचा कौन सा? स्फेगोमैनोमीटर। सो यस, स्फेगोमैनोमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को क्या करता है, वेट कर मेजर करता है कि हमारी बॉडी में अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उस सब को मेजर कौन करता है? डिस्टोलिक और सेस्टोलिक प्रेशर को हमारा स्फेगोमैनोमीटर ही मेजर करता है, जो हमारे डिवाइस ऐसा ये हमारी बाजू पे लगा देते हैं लेफ्ट हैंड पे, एंड देन डॉक्टर्स मेजर ब्लड प्रेशर, इज कॉल्ड स्फेगोमैनोमीटर। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है? कि जो हमारा हाई प्रेशर और लो प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, हाई प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर को हाई प्रेशर या लो प्रेशर बोलते हैं। तो हमारा नॉर्मल प्रेशर, कि हमारी कंडीशन, कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, वो कंडीशन कौन सी होती है? किस रेट के प्रेशर को हम बोलते हैं कि इट इज दी नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर? तो वो कौन सा है? सबसे पहला ऑप्शन है 120/80 mmHg, 180/80 mmHg, 120/60 mmHg, 160/80 mmHg। तो अगर ध्यान से अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है, तो हमने साफ पढ़ा है कि जो नॉर्मल सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर है वो कौन सा होता है? 120/80 mmHg, ये होता है। कि इससे ऊपर, 120 से अगर ऊपर टेम्परेचर हमारा प्रेशर चला जाए, तो वो हाई बीपी हो जाता है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड हाई बीपी। ठीक है, अगर 80 से ज्यादा कम हो जाए, तो वो हो जाता है लो बीपी। ठीक है, सो एक हो जाता है हाई बीपी। अगर हमारे दोनों प्रेशर 120 भी 120 से ऊपर है और डायस्टोलिक प्रेशर भी 80 से ऊपर है, तो वो हाई बीपी, हाइपरटेंशन की कंडीशन हो जाती है। दैट इज द कंडीशन ऑफ हाइपरटेंशन। और दूसरा है, अगर 80 से भी लो चला जाए और 120 से भी लो चला जाए, तो उसको बोलते हैं लो बीपी और हाइपोटेंशन। इट इज कॉल्ड लो ब्लड प्रेशर। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इज फर्स्ट कलेक्टेड बाय। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है वो सबसे पहले कहाँ कलेक्ट होता है? सो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इज फर्स्ट कलेक्टेड बाय व्हाट? किस पार्ट में कलेक्ट होता है? अगर आपको याद हो, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि हमारा नेफ्रोन है, नेफ्रोन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नेफ्रोन की अगर बात करें, तो नेफ्रोन में किस पार्ट में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट पहले कलेक्ट होता है? सो वो कलेक्ट होता है सबसे पहले, ग्लोमेरुलस किस में प्रेजेंट होता है? एक राउंड कप शेप पार्ट होता है जिसमें ऐसे ग्लोमेरुलस पड़ा होता है। सो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, हेनले लूप तो उसके बाद निकलती है, राइट? सो हेनले लूप भी नहीं है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब भी नहीं है,
डिस्टल कॉन्वोलट ट्यूब्यूल भी नहीं है, है तो कौन सा है? बोमेंस कैप्सूल है, क्योंकि हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहाँ पड़ा होता है? हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एक कप शेप पार्ट में पड़ा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं. सो दिस इज ग्लोमेरुलस. ठीक है, सो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट हमारा इस कप शेप पार्ट जो कि बोमेंस कैप्सूल में पड़ा होता है, जहां से हमारी क्या होती है, जहां पे हमारा पहले सबसे पहले बोमेंस फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है, उसके बाद वो डिस्टल ट्यूब प्रॉक्सिमल ट्यूब में जाता है. फाइन, सो डायग्राम्स को भी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि डायग्राम्स के बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं जैसे ये. ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी हमारा एक केस स्टडी ही है. तो ये केस स्टडी क्या है? Case study is the alimentary canal is different in different animals. जो alimentary canal है वो अलग अलग animals में अलग अलग होता है. Herbivores which eat grass or plants contain cellulose generally have longer intestine, while carnivores have shorter gut. ठीक है, वो कह रहे हैं कि alimentary canal different animals में अलग अलग होता है. Fine, it's correct. ठीक है, herbivores जो कि grass eating animals होते हैं उनमें क्या होता है, जो प्लांट्स खाते हैं उनमें सेलुलोज होता है. प्लांट्स जो ग्रास खाते हैं उनमें क्या होता है? उनमें सेलुलोज होता है, और इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम की जरूरत होती है. ठीक है, और वो एंजाइम नहीं बताऊंगी, क्या पता वो क्वेश्चन में आ जाए. ठीक है, सो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इस एंजाइम की जरूरत होती है, और जो ये सिर्फ एनिमल्स ही क्यों खाते हैं, हर्बीवोरस ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, इसलिए इनका एलिमेंट्री कैनाल थोड़ा बड़ा होता है, इनका इंटेस्टाइन थोड़ा बड़ा होता है. दे हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन व्हाइल कार्निवोरस हैव शॉर्टर गट. कार्निवोरस का क्या होता है? शॉर्टर गट होता है. ठीक है, दस दिस हैज बीन लिंक्ड विद द गट फ्लोरा माइक्रोब्स गिवन इन गट. इसको लिंक किसके साथ किया गया है कि हर्बीवोरस में लंबा एलिमेंट्री कैनाल होता है या फिर कार्निवोरस में छोटा एलिमेंट्री कैनाल होता है? इसको कनेक्ट किया गया है उसके फ्लोरा एंड फौना में जो माइक्रोब्स उसके अंदर प्रेजेंट है. दूसरी बात मैं आपको यह भी बता चुकी हूं, क्योंकि हर्बीवोरस को ग्रास डाइजेस्ट करना होता है, इसलिए वो क्या होता है, उनमें लार्जर इंटेस्टाइन होता है, लेकिन कार्निवोरस को नहीं करना होता है, इसलिए उनके पास छोटा इंटेस्टाइन होता है ना. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस केस स्टडी. सबसे पहला है, यू कैन अज्यूम दैट माइक्रोब्स मस्ट बी प्रोड्यूसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ, कि अब यहाँ पे माइक्रोब्स क्या है, क्या ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे होंगे जिसकी वजह से वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर रहे हैं. तो मैंने आपको बोला था कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे हर्बीवोर्स में, वो क्या होता है? सेल्यूलेज. ये सेल्यूलेज इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डाइजेस्ट करके सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन कर देता है ताकि डाइजेशन हो जाए इजी. लेकिन ये सेल्यूलेज जो होता है ना, ये एनिमल्स में या कार्निवोरस में एब्सेंट होता है, एनिमल्स में ही प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, इसीलिए अगर बात करें तो कौन से माइक्रोब्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं हम एनिमल्स की बॉडी में, वो होते हैं सेल्यूलोज, जो कि ग्रास को डाइजेस्ट करने में, जिसका मेन कॉम्पोनेंट है सेल्यूलोज, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, है ना. प्लांट्स आर कवर्ड विद सेल वॉल एंड दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द गिवन बिलो यू कंसिडर इज मोस्ट एसोसिएटेड विद सेल्यूलोज डाइजेशन इन हर्बीवोरस. अब इनमें से नीचे गिवन पार्ट्स में से ये पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के, तो एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है जो सेल्यूलोज डाइजेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा पार्ट है जो सेल्यूलोज डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर सेल्यूलेज कहाँ पे प्रेजेंट होगा, है ना. सो सबसे पहले उन्होंने, हम नीचे से शुरू करते हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा स्टमक. नहीं, स्टमक में नहीं होता है सेल्यूलेज. फूड पाइप तो डाइजेशन करता ही नहीं है, तो कतई ही यू नो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि वहां पे हो. स्मॉल इंटेस्टाइन में भी नहीं होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना बहुत बाद में पहुंचता है. जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन में, हर्बीवोरस में खाना इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, जो ये सेल्यूलोज है वो सेल्यूलेज ने डाइजेस्ट कर दिया होता है. और वो कहाँ होता है? सीकम में होता है. हर्बीवोरस में एक पार्ट होता है सीकम, जहाँ पे हमारी सेल्यूलोज की डाइजेशन होती है, या फिर कहें कि सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो दिस वॉज द आंसर रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन. अब इसके जो ये केस स्टडी है, इसके रिलेटेड आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं. तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिए हैं. इस लाइव प्रोसेसेस के जितने भी मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, मैंने छंट के आपको इस आपके लिए इस वीडियो के लिए बना दिए. लेकिन
आकाश की सीमा नहीं होती, इसलिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस की भी सीमा नहीं है। क्वेश्चंस किसी भी तरीके से घूम के आ सकते हैं। ये सिर्फ कुछ क्वेश्चंस है, कुछ बूंदे है उस सागर की जो आपको पीना है, जिसको जिसमें आपको सर्वाइव करना है। सो इसके क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट कि आपको अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो मैं पास हो जाऊंगी या पास हो जाऊंगा, आपको पास नहीं होना है, गुड मार्क्स लेके आने हैं। So this was the end of this YouTube series, in this which we did the important multiple choice questions regarding the life processes chapter and also some important case studies. And I hope कि आप सबको ये video पसंद आई हो, कुछ learn किया हो, कुछ नई important multiple choice questions या case studies के बारे में समझा हो, कैसे solve करनी है उसको देखा हो, या क्या क्या कैसे कैसे questions आ सकते हैं। So with this, this is the end of this YouTube series. I'll meet you in the next YouTube series. But please don't forget to like the series if there is any query. So you can ask me in the comment box. If there is any suggestions, then also you can give me. Besides that, please don't forget to share it and comment definitely. And press the bell icon to get more notifications about the other videos which appear on the SPS Versity portal. I'll be waiting for your comments and I'll be waiting for you to give me good responses. Until then, please be safe at your homes and be nice to people and stay safe. Bye-bye.